हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। बहुत जगह पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रहा है, तो हम सिर्फ ट्रैवल करेंगे। अगर कोई दिक्कत वगैरह होगा रोड में तो हम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, बाद में वापस आ जाएंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, चलो हम निकलते हैं दिल्ली से। सो लेट्स गो। चलो दोस्तों, देखते हैं हमारा एडवेंचर फॉर द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा हेमकुंड साहिबा के लिए। ये जर्नी जो है लास्ट ईयर किया था मैंने, और बीच में बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग हुआ था। तो कैसे हुआ जर्नी देखते हैं वीडियो के अंदर। सो बने रहे वीडियो के साथ में, हेडफोन लगा के मस्त एंजॉय कीजिए 10 मिनट का वीडियो। टाइम हो रहा है 8 o'clock और मैं रुका हूँ मिरूट में। मिरूट का एक बाईपास के साइड में है ना, ये यहाँ पे एक चाट भंडार है। इन्होंने बिरयानी बनाई है अपने लिए, ये वाला कैमरा लगा। ये खा के अभी निकलेंगे हम आगे ऋषिकेश के लिए। सो गाइस, टोटल डिस्टेंस जो है तो लगभग 550 से 600 किलोमीटर है। जो पहला 300 किलोमीटर है वो कवर करने के लिए हमें 5 से 6 घंटा लगता है, क्योंकि रोड बहुत ही अच्छा है दिल्ली से लेकर ऋषिकेश तक। फिर हम ऋषिकेश में स्टे करेंगे। थैंक यू भैया। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, कल रात को हम यहाँ पे गुरुद्वारा में रुके थे ऋषिकेश में, बहुत अच्छा लगा। और अभी 5 o'clock टाइम हो रहा है, अभी निकलते हैं आगे के जर्नी के लिए। अभी हमें दिखा रहा है 8 hours 261 किलोमीटर, और अभी हुआ है 5:22। लेट्स गो। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो अभी हम 82 में रुके हैं चाय पीने के लिए। ऋषिकेश से लेके गोविंद घाट तक लगभग उतना ही डिस्टेंस है, 270 किलोमीटर, बट समय जो है तो 8 से
10 घंटे तक लग सकता है क्योंकि पहाड़ी वाला रास्ता है और लैंडस्लाइडिंग और ट्रैफिक की वजह से और भी ज़्यादा समय लग सकता है। और इसका डिस्क ब्रेक का है ना सेम सीन होता है, ये ना बहुत पीक लगता है डिस्क ब्रेक। अभी हम आए हैं पुलना विलेज में, इनके यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया है। सो अभी सामान इधर रखेंगे, हम ऊपर जाके आ जाएंगे। अगर ट्रेकिंग नहीं करना है तो घोड़े से भी जा सकते हो, ऐसे रास्ता है। वाटरफॉल हो रहा है उधर। सो यहाँ पे जो है तो मेरा आज फास्ट था ऋषिकेश से, सिर्फ एप्पल खा के मैं चल रहा था। बीच में एक बार चाय पिया था, दैट्स इट। तो उसकी वजह से ना थकान बहुत हो गया था, और घांघरिया तक 10 किलोमीटर का ट्रैक जो है 5-6 घंटा लगता है करने के लिए, उसकी वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं रात में 9:30 बजे के आसपास घांघरिया में पहुंच गया था। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और घांघरिया में गुरुद्वारा में रुका था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर्स का पूरा ट्रेकिंग जर्नी एंड उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ही सुंदर होने वाला है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पीछे जो देख रहे हो अभी क्लाउड्स आए हैं, तो वहाँ पे जो है पूरा बर्फ का चट्टान दिखता है,